नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि YouTube चैनल कैसे क्रिएट करें। अगर आप YouTube में वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं और आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक YouTube चैनल की ज़रूरत है। देखते हैं दो आसान तरीके YouTube चैनल क्रिएट करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ये gmail.com पे जाएं और एक अकाउंट क्रिएट करें। नया अकाउंट क्रिएट करना है आपको, तो इसके लिए आप यहाँ पे नीचे क्रिएट अकाउंट करके या फिर नया अकाउंट बनाने का एक लिंक दिखेगा आपको। यू विल हैव टू क्लिक दैट, आपको ये क्लिक करना है और फिर इसमें डिटेल्स फिल करके सबमिट करना है। तो आपका एक जीमेल या फिर इसको ईमेल कर कहते हैं, ईमेल क्रिएट होगा। दूसरा रास्ता है कि आप डायरेक्टली youtube.com पे जाएं और ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पे साइन इन करके एक बटन दिखेगा आपको। यू कैन क्लिक दैट एंड आप अगर इस पे क्लिक करो तो आपको फिर से साइन इन का ये सेक्शन दिखेगा और नीचे एक लिंक दिखेगा। इस पे लिखा हुआ है कि क्रिएट अकाउंट, ये दैट मीन्स आप एक नया अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप ये ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक नया अकाउंट डेमो पर्पसेस के लिए एक नया अकाउंट अभी क्रिएट करेंगे। अगर आपको ये सब समझने में दिक्कत हो रही है कि यू डोंट अंडरस्टैंड, ये इधर नाम लिखना है वो, यू नो, यहाँ पे क्या फिल करना है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप Google Translate, translate.google.com, ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रखूँगी। तो आप वहाँ पे जाके अपना ऐसा दिखेगा यहाँ पे। आप ये वाला URL, ये आप ऐसा जो लोकेशन बार में आ रहा है इसको राइट क्लिक करके कॉपी करें और इसमें डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप ट्रांसलेट इट टू हिंदी सेलेक्ट करें और ट्रांसलेट करने को कह सकते हैं। तो आपका ये वेब पेज हिंदी में दिखेगा। तो फिर आप सब इसमें एंटर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये नाम पूछ रहा है, आपका ईमेल पता, एक पासवर्ड बनाएं, अपने पासवर्ड फिर से लिखे, फिर आपका जन्मदिन, महीना, साल, पुल्लिंग यस लाइक महिला, नर, अन्य, फिर मोबाइल फ़ोन एंड देन आपको टर्म्स एंड कंडीशंस, दैट इज़ सेवा की शर्तें, इनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड आपने ये सिलेक्ट किया तो आप अपना नया अकाउंट खोल सकते हैं। तो आई विल बी, मैं इसमें अपना डिटेल्स फिल करूँगी। तो आप सब डिटेल्स फिल करके फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। आप प्लीज़ पूरा पढ़िए, बिकॉज दीज आर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं। तो आप पढ़ के फिर अगर आपको ओके है तो अग्री की कर सकते हैं। तो हमने एक नया ईमेल बनाया और इसमें लिखा है वेलकम योर न्यू ईमेल एड्रेस इज़ इंडियन मॉम ब्लॉग्स एट gmail.com एंड थैंक्स फॉर क्रिएटिंग अ गूगल अकाउंट, यूज इट टू सब्सक्राइब टू चैनल्स ऑन यूट्यूब, वीडियो चैट फॉर फ्री, सेव एट्सेट्रा। और नीचे एक लिंक है जिस पे लिखा है कि यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, तो मैं ये क्लिक करने वाली हूँ। तो अभी हम यूट्यूब के अंदर जा रहे हैं। नाउ आप यूट्यूब में हैं, सो यूट्यूब में आपको फिर लेट अस लुक एट द लेआउट। तो इसमें समझने वाली तीन चार इम्पॉर्टेंट बातें हैं।
द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे माई चैनल करके दिखेगा। अगर आप ये क्लिक करें तो आप अपने चैनल को देख सकते हैं। सो ये नया चैनल है तो इसीलिए कुछ भी आपको अंदर नहीं दिखेगा, लाइक यू वॉन्ट कोई भी वीडियोस, कोई भी लेआउट कुछ नहीं रहेगा। आप ये पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये सब एंटर करना पड़ेगा। तो आपको आपसे पूछा जा रहा है कि आपको यूट्यूब कैसे, लाइक चैनल का जो नाम है कैसा चाहिए। तो मैं अपना नाम छोड़ सकती हूँ लता लुकोस, या फिर जो मेरा नीश है, जो मेरा चैनल का मकसद है, नाम है, वो इधर रख सकती हूँ। जैसे कि आप अगर चैनल ये मोबाइल फ़ोन्स का कुछ चैनल बना रहे हो तो आप इधर इंडियन मोबाइल्स रिव्यू, या फिर आप अगर कोई और टिप्स जैसे कि घर साफ़ करने के टिप्स, ऐसे कुछ चैनल बना रहे हो तो आप घर 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 सफाई टिप्स, या क्लीनिंग वीडियोस, क्लीनिंग रिव्यूज़, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इस वीडियो के पर्पस ये ट्रायल है, तो मैं इसमें इंडियन मॉम ब्लॉग्स डालने वाली हूँ। एंड देन आपको ये यूट्यूब सर्व टर्म्स एंड सर्विस देखना चाहिए। आप प्लीज़ ये खोल के पढ़ें, बिकॉज़ इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है यूट्यूब चैनल के लिए, जैसे कि कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन हो, आप कैसे वीडियोस इसमें अपलोड कर सकते हो कर सकते हैं, कैसे वीडियोस आप मोनेटाइज कर सकते हैं। मोनेटाइज इन द सेंस कि आप जब वीडियोस यूट्यूब में अपलोड करें तो आप उससे पैसा कमा सकते हैं, पर हर वीडियो से कमाना नहीं कमा नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने लाइक काला चश्मा या फिर लुंगी डांस या फिर ऐसा कुछ वीडियो में, अपने वीडियो में वो इस्तेमाल किया हो, वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है, क्योंकि वो गाना आपका नहीं है। वो या फिर टी सीरीज़ या जो भी म्यूज़िक लेबल्स है ना, उनका होता है कॉपीराइट, तो आपको इन्फ्रिंजमेंट का नोटिस मिलता है उसके लिए। तो आप बहुत सारे ऐसे ट्रिकी थिंग्स है जिसको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ज़रूरी है। सो ये ओपन करके आप पढ़े, अगर आपको ये सब मंजूर है तो फिर आप क्रिएट चैनल क्लिक कर सकते हैं। तो अब अभी आपका नया ब्रांड न्यू चैनल बनेगा, एंड आई एम सो एक्साइटेड। आप भी शायद बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ये आपका पहला चैनल है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप यहाँ लेट अस नाउ सी कि अब इस चैनल को आप सुंदर कैसे बनाएं। सुंदर इन द सेंस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये चैनल है आपका तो आप ये चैनल में इधर कुछ भी नहीं है, लाइक इधर लोगो नहीं है, तो आप देख सकते हैं इधर लोगो है, फिर एक बैनर है ऊपर, वो इस चैनल में नहीं है, ब्लैक है। फिर इधर जो सेक्शंस है तो बिल्कुल ही अलग दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा इस चैनल जो मैंने सेटअप किया, इसमें एक बड़ा सा वीडियो आता है इधर, फिर इस वीडियो के बारे में सब कुछ डिस्क्रिप्शन इधर आता है, फिर राइट साइड में दाएं बाई ओर आप देख सकते हैं कि चेक दीज चैनल्स, ये मैंने डाला है यहाँ पे, एंड फिर मैंने अपने दूसरे चैनल्स को लिंक किया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर नीचे ये इसको बोलते हैं प्लेलिस्ट, मैंने प्लेलिस्ट बनाया, फिर इनको यहाँ पे डाला, ताकि और अपने मेरे बहुत सारे वीडियोस है, तो जब कोई अपने आपके चैनल पे आता है तो उनको ये पता ही नहीं होता कि कौन से कैसे तरह के वीडियोस है, तो आप एक तरफ तरह के वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में डाल सकते हो, फिर वो प्लेलिस्ट को यहाँ पे दिखा सकते हो। तो अगर उनको वैसी वीडियो देखनी है तो वो प्लेलिस्ट के अंदर से आप वो लोग चुन सकते हैं, या फिर जैसे कि हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर एंड मेक मनी ऑन यूट्यूब का एक प्लेलिस्ट है मेरा, फिर यूट्यूब
ब्यूटी गुरु इनकम, इन ब्यूटी गुरुज कितना बनाते हैं पैसा, उनका एक प्लेलिस्ट है। तो आप फिर ऐसा आप खुद ही सेलेक्ट कर सकते हो कि हमको ऐसी वीडियो देखनी है, फिर देख सकते हैं। तो ये सब भी देखेंगे कि वीडियो अपलोड कैसे होता है, ये प्लेलिस्ट कैसे बनता है, पर वो दूसरा वीडियो में देखेंगे क्योंकि अभी बहुत समय हो चुका है। तो अभी हमारा ये डिफ़ॉल्ट लेआउट है, लेआउट यानी कि ये अपना ऐसा दिखता है चैनल अपना, तो ये बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप ये लोगों के ऊपर गए तो एक पेंसिल का जो आइकन दिखता है, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, इस पर क्लिक करें तो इसको आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे बोल रहा है कि एडिट चैनल आइकॉन की, या इसका मतलब है कि हम इसको बदले, क्या क्या आप इसको बदलना चाहते हैं। अगर आपने बोला एडिट तो ये क्या होता है कि ये गूगल प्लस पे चला जाता है। गूगल प्लस, यूट्यूब, एडसेंस सब कुछ एक ही लॉगिन से होता है। दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ यूट्यूब, इट्स कॉल्ड अ सिंगल लॉगिन। तो आप सभी चैनल्स, अब सभी यूट्यूब, गूगल के सभी प्रोडक्ट्स एक ही लॉगिन से वर्क करते हैं। तो आपको अगर कोई और पिक्चर डालना है तो आप इस पर अपलोड फोटो बोले पर क्लिक करें, फिर ये पॉपअप आएगा आपको। तो आप जाके जो भी आपको वीडियो पिक्चर सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करें, फिर उसको बोले ओपन, तो ओपन हो गया। फिर आपको वो इधर थंबनेल दिखेगा, आप उसको ओके कर सकते हैं, फिर वो अपडेट होगा गूगल प्लस पे। एक बार ये गूगल प्लस पे अपडेट हो जाए तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपके यूट्यूब पे अपडेट हो जाता है। हमारा जो इमेज है, सैम्पल इमेज है, ये आ गया यहाँ पे। सो आप इसको ऐसा सेलेक्ट करें, फिर इसको अगर आपको ये पसंद है तो रखे, अगर आपको इसको घुमाना है तो ऊपर ऐसे एरोस है तो आप रोटेट भी कर सकते हैं, उल्टा भी रोटेट कर सकते हैं, फिर आपको ऐसा पसंद है तो बोले डन। तो ये गूगल प्लस है, आप देख सकते हैं, ये गूगल यूट्यूब नहीं है, ये गूगल प्लस है। तो इधर आपका aboutme.google.com, यहाँ पे ये अपडेट हो गया। जब इधर अपडेट हो जाता है तो आप इधर रिफ्रेश करें, तो ऑटोमेटिकली थोड़े समय के बाद यहाँ पे भी ये अपडेट हो जाएगा आपका, थोड़ा टाइम लगता है। फिर अगर आपको ये बैनर चेंज करना है तो सेम प्रोसीजर है, आप राइट साइड कॉर्नर में अगर माउस रखे तो यहाँ पे एक पेंसिल आइकन दिखेगा आपको, क्लिक करें उसको, फिर इसके नीचे और एक लेटर्स आएंगे एडिट चैनल आर्ट की, चैनल आर्ट, क्या आप चैनल आर्ट बदलना चाहते हैं, तो यस यू वांट टू डू दैट, तो आप क्लिक करो तो ये फिर से पॉपअप विंडो आएगा। अगर आपके पास कोई फ़ोटो है तो अपलोड करें, अगर फ़ोटो के डायमेंशंस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं 2560 पिक्सल्स बाय 1440 पिक्सल्स है, एंड द फाइल साइज 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि अगर मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है तो मैं गैलरी डिफ़ॉल्ट कुछ लेती हूँ गैलरी से, एंड देन वो लेके आप सेलेक्ट करें, आपको दिखाएगा कैसे दिखने वाला है। अगर आपको पसंद है तो बोले सेलेक्ट, तो ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। सो ये था चैनल आर्ट एंड द लोगो। सो ये लोगो अपडेट हो गया। अभी आपको यहाँ पे ऐसे चैनल के ये सब लाना है, जैसा कि ये वीडियो यहाँ पे लाना है, ये प्लेलिस्ट लाना है, बहुत सो आप कैसे करें वो अगले वीडियो में दिखाएंगे। एंड अभी के लिए आप इस पर क्लिक करें जिस पे लिखा है चैनल डिस्क्रिप्शन, इसमें भरना है कि ये चैनल किस चीज़ का है, लाइक व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको इस चैनल के बारे में जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। एंड अगर इफ दिस इज़ ओके तो आप इस पर डन करके सेव कर सकते हैं। तो ये है आपका नया चैनल। तो अगले वीडियो में देखेंगे कि इस चैनल को अभी और सुंदर कैसे दिखाए, इसमें वीडियोस कैसे अपलोड, इसको एक्चुअली इसका लेआउट कैसे बदले, ऐसा लेआउट कैसे लाए,
फिर अगर समय है तो उसी वीडियो में देखते हैं कि वीडियो अपलोड कैसे करें। थैंक यू, शुक्रिया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।